जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, खैरियत से? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत के साथ होंगे। और आज हाँ जी, प्रोडिक्शन तो बिल्कुल आगा शराजी की जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, मुझे समझ आ गई है। आगा शराजी साहब ने सुबह 3 नंबर बताए थे, 179 इस तरह के लिहाज से उसने कुछ नंबर बताए थे, और मुझे समझ आ गई थी कि 179 के राउंड अबाउट जो है वो इनका स्कोर होगा इंडिया का, और क्या कहते हैं टारगेट, यानी 179 नो आउट हो चुके हैं जी, और ये लास्ट बॉल पे जी आउट हो गया लो जी, और ये जी आउट हो चुके हैं। आफत साहब हमारे बैठे हुए हैं, बर्गर शर्गर ले गए हैं, शाम का हमारी डील हुई हुई थी आपस में कि हमने बर्गर वगैरह खाना है, वो देखें जी जिंगर आ गया है। और एक घंटा जरील हुआ चंगी मन उसके लेने की हुई, मैं आधा घंटा ऊपर जरील हुआ उसके बाद। हाँ फिलहाल मैं बोला नहीं, मैं गलत कर दिया, मैं कि नहीं बोला। और आप साहब आज अपनी बोतल शोतल भी ले गए हैं, और आज मैंने इनकार किया हुआ कि नहीं, लेकिन कोई बात नहीं आप साहब, वाइट वाइट में ही इसको रखो, क्या कहते हैं कैचअप को खोलो, दो प्लेटें हैं वाइट, और ये हो जाएगा। अच्छा जी वाह 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 वाह, चिप्स भी आई है, फ्राइज। यार ये मेरा बर्गर जो है ना वाइट प्लेट में रखो, निकाल ले एक प्लेट और, क्या वाइट प्लेट निकाल लेना नीचे, दो हैं। अच्छा दो हैं, हाँ ऐसे कर, चल क्यों एक में कैचअप कर दे, इसमें आप कैचअप और वो कर देंगे ना। हाँ फ्राइज जी भाई, बात ऐसे ही है, आज ना वो चक्करों में था कि मुझे लेट करे जान के, वही जो हरकतें हैं चाहे अली बाबे की वाली कमीन की वाली हरकतें उसकी होती हैं, शोखा बढ़ा है ना अल्लाह रिज़्क। आज मैंने छोटे छोटे शॉर्ट्स बनाए हैं उसके, आपको बीच में ना शोखा पन उसका दिखाऊंगा बीच में। अल्लाह ताला रिज़्क दे रहा है, और वो दिमाग उसका इतना ख़राब है कि जनाब वो सुनता ही नहीं है बात, उसके अपने वर्कर्स भी तंग है। हाँ तो इस तरह तो फिर वर्कर्स भाग जाएंगे फिर। हाँ वो अली छोड़ गया, अली सुमान छोड़ने लगा, कई लड़के नहीं उधर रहे यार, हम हमारे साथ होता व्लॉग में लास्ट टाइम आया था, वो छोड़ गया, वो छोड़ने लगा, उसके बराबर ही कह गया उसको कि ना हमने इसको नहीं देना इधर, मुझे मिला है मेरे वो सही, उसके ना चाचू ने अपना काम स्टार्ट किया, कहते उधर जाओ उधर आओ। दुकानदार की ना गाइस ये बड़ी बीमारी है, खासकर लाहौर में मेरे ख्याल से, क्योंकि हम लाहौर में रहते हैं, तो लाहौर में मैंने बहुत से दुकानदार ऐसे फेस किए हैं, ऐसी ऐसी मतलब जेन के मालिक हैं, इतने के बुरे इंसान हैं, मैं क्या अल्फाज इस्तेमाल करूं कि अल्लाह ताला इनको रिजक दे रहा है ठीक है, और ये जो है गवारा नहीं समझते कि हम इनके हाथों से पैसे पकड़ लें कस्टमर के हाथ से, या एक तरफ देख के हम बात कर लें, या अपने प्रोडक्ट्स को उसके आगे रख दें या बता दें, ऐसे बेसुरे शक्लें बनाई होती हैं इन्होंने, बूथे उधर को किए होते हैं, कस्टमर कुछ कह रहा होता है और सुन कुछ रहे होते हैं और बूथे इनके साइड पे होते हैं, और ये जनाब गवारा नहीं समझते, और लंत ये शर्म हया करो, कोई कस्टमर आया अल्लाह ताला की रहमत होती है, तुम लोग कोई अकल करो, कोई जनाब को बंदा सुर जवाब सही देता है, तुम लोग जो जवाब नहीं देते, कस्टमर ने तुम लोगों से पैसे दे के चीज़ लेनी है, अगले ने हलाल जोन सा तुम लोगों को पैसे ला के देने हैं, कमा के ला के देने, लादे उनके साथ खड़ी होती हैं, पता नहीं किस तरह बाप लेके खड़ा होता है अपनी लाद को कि या चल मैं अपने बच्चे को चीज़ ले दूँ, तुम लोगों का दिमाग ही नहीं सही टिकाने आता है, तो वह ये ना गर्मी की वजह से इनके दिमाग वैसे ही मर गए हुए हैं, तो वैसे ही कुछ इंसान और कुछ इंसानों की अंदर से नीयतें ख़राब है, दिमाग वैसे ही ख़राब हो गए, पता नहीं इंसान अपने आप को क्या समझने लग गया, अल्लाह ताला को भी नाराज़ किया हुआ है, तो खुद आपस में इंसान ठीक ही नहीं है, तो हालात खेत सवार ठीक हो रहे हैं, हैं
मैं अपने वाला साहब के साथ कई दफ़ा शॉपिंग करने गया हूँ, मुझे अक्सर मैंने इन चीज़ों को मैंने फील किया है कि इन लानतियों को अकल मोती नहीं है कि यार जनाब हमने कस्टमर का सुनना है, देखना है कि यार कोई आया है हमारे पास। वही हाल अली बाबे वाला कर रहा है जो आफत साहब के साथ हुआ, वो कह रहा है मैं आधा घंटा हो गया ऑर्डर घर से फ़ोन पर दे गया हूँ। तू भाई तुझे पता भी है कि हम इस मोहल्ले के हैं, वाकफ हैं तेरे, और तूने ऑर्डर ही नहीं लगाया हुआ, ऐसा तू मेरा सुने मेरे मुंह से कुछ क्यों आफत साहब? पर मैं ना थोड़ा सा शुक्र करना कर, मैं चीज लेकर ना इधर कोई भी मैं गायब होने लगा था। हाँ। मैं कसम खपा कर मैं फिर पैसे दूंगा मेरा अपना, मैं यकीन मान ये हाफिज ने 100% ये बात सही की है कि दिल नहीं करता है ऐसे बंदे को पैसे देने का, दिल करेगा कि यार इसको बंदा पैसे ना दे, लेकिन हमारे माँ बाप की तरबियत है ऐसी कि दिल में बात आई थी कि यार हराम नहीं खाना, बात ये होती है कि दिल में बात आई थी कि हराम नहीं खाना, यार अंदर जाएगा पता नहीं क्या रिएक्शन होगा, इसलिए इन चप्पलों को पैसे दे के आने पड़ते हैं, वरना इनको हम कभी इनकी शक्ल नहीं है कि इनको हम पैसे दें जिस तरह ये जलील करते हैं। चलो खैर बाकी बर्गर मेरा ठंडा हो रहा है तो मैं खा ला, हाफिज साहब कह रहे हैं बस करो फार भाई गुस्सा ही करने लग पे हो, तो चलो जी बर्गर खा लिए। बोतल तो इंजन उकरे लाई जितने यतीम होंगी, वैसे इनू साइड पर ही लाना चाहिए जो हाल कर बंद लेकिन खैर चलो जी मिलने हैं जी आफ्टर दी डिनर कंप्लीट करके, ठीक है? तो इंडिया का हाल वेखने की होंगे कि नहीं, 117 तो लत की है सारी 179 का मिला है, 169 टोटल है, 67 पे आउट हो गया, नहीं नहीं 9 है, लास्ट में 67 स्कोर था ना। चलो एक दो का ही फर्क है, लड़ना थोड़ी है अपन, ठीक है फिर ओका ओके करो। कवर में दो दो चौके, एक एक कवर में दो दो चौके तो पक्के लग रहे हैं। हां दो दो सिंगलें भी लग रही हैं, वो चेक करो जी, वो देखो ना देखो 4 और 3 उसको चौका भी मारा अर्शदीप को, आए हाय 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 बाबा क्या बात, पहली क्या बात, लवली 6 ओ सोलर के ऊपर छूटे ही उन्होंने, पहली बॉल भी ना इसकी ऐसी छूटी थी, वो इसके इधर बैट को आगे होकर इधर बची थी, ओए होए 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 क्या बात, यानी कि 4 स्कोर 3 स्कोर 1 क्या बात जबरदस्त किस्म जी, 13 स्कोर 1 ओवर में 9 ही मतलब रिक्वायर्ड चाहिए था सी उन्होंने, क्या बात, इंजॉय फुल हो रहा है, दुआ करो समय तो गई है। वजह ये कि पार्टनरशिप्स कंप्लीट नहीं हो रही, क्योंकि ऐसे खिलाड़ी के साथ जो है पार्टनरशिप बहुत ज़रूरी है, क्यों जी बाबा जी? बिल्कुल साथ बड़ा ज़रूरी होता है, फिर ही पहला बंदा भी काम कर सकता है, क्योंकि हम क्रिकेट खेलते हैं हमें ज़्यादा पता है। छक्का छक्का लग गया, 30 पे 30 स्कोर चाहिए उनको, यस यस यस, मतलब क्या अब पार्टी ऐसी पार्टी पार्टी ऐसी पहले ही कर चुके हैं, 5 छक्को की मारा बस के, 5 छक्के लगे थे पता नहीं चलने गेम कहां गई किधर, पीछे करके मारे, चलो एक तो साढ़े